बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो देखो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के ऊपर आपको चार्जेस प्लेस करे हैं फोर चारों वर्टिसेस के ऊपर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखो, अब एनर्जी अगर मुझे एनर्जी हम किस तरह से निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने क्या बोला था कि जितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे उतने ही क्या होगी वो टोटल इंट्रैक्शन एनर्जी होगी उसमें, ठीक है। तो क्या होगा, पहले के क्यू स्क्वायर बाई ए, इन दोनों के बीच में माइनस के स्क्वायर बाई ए, इन दोनों के बीच में माइनस के स्क्वायर बाई ए, इसके बीच में माइनस के स्क्वायर बाई ए, और इसके बीच में भी माइनस के स्क्वायर बाई ए, ये क्या है, इसकी साइड है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये माइनस फोर के स्क्वायर बाई ए, ये होगी इनकी एनर्जी। इसके अलावा भी यहाँ पे दो और पॉइंट्स है जिनके बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी होगी, क्लियर है, वो है डायगनल के पॉइंट्स, इनकी वजह से इंट्रैक्शन एनर्जी होगी। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट टू ए। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए, इन दोनों के बीच में के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए, तो कितना बन गया, टू के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए, क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस फोर के क्यू स्क्वायर बाई ए, क्लियर है। तो ये है इस सिस्टम की एनर्जी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंट्रैक्शन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, थ्री स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, इफ द वॉल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट फाइंड स्पीड ऑफ वॉल्स व्हेन सेपरेशन बिटवीन वॉल्स बिकम टू एल, ठीक है। हमें क्या बोला हुआ है कि इस तरह से चार्जेस को रखा हुआ है, तीन बॉल्स को हमने रखा हुआ है जिनका मास एम है और चार्ज कितना है, क्यू है। इनिशियली वो कितने सेपरेशन के ऊपर हैं, एल सेपरेशन के ऊपर हैं। जैसे इनको हम रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। मूव करना शुरू करेंगे तो सबकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। ये वी के साथ मूव करेगा, ये भी वी के साथ मूव करेगा, ये भी वी के साथ मूव करेगा, क्यों, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। तो सेंटर ऑफ मास को कैसे, किस पे रहना है, रेस्ट पे रहना है, उसको रेस्ट पे रहना है। तो तीनों वॉल्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव करना पड़ेगा, तभी वो रेस्ट पे रहेगा, क्लियर है। तो वाई एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या कह सकते हैं कि इनिशियल जो एनर्जी थी इसके पास वो कौन सी थी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी थी, क्लियर है, क्योंकि सिस्टम किस पे है, रेस्ट के ऊपर है। तो उस टाइम एनर्जी कितनी होगी, थ्री के क्यू स्क्वायर बाई एल। फाइनल में जाके क्या होगा, जब सेपरेशन कितनी हो जाएगी, टू एल हो जाएगी, तो इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और उस पॉइंट के ऊपर जाके एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, थ्री के क्यू स्क्वायर बाई टू एल, ठीक है, प्लस इन हर एक के पास अपनी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, इन तीनों के पास, तो कितनी हो जाएगी, थ्री इंटू हाफ एम बी स्क्वायर। तो इस थ्री से थ्री कैंसिल आउट, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल। तो जब वेलोसिटी हमने निकाली तो वेलोसिटी कितनी आ गई, रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई एम एल, क्लियर हुआ। तो ये है दो न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर।